ऑक्यूपेशनल हेल्थ हम पूछते हैं, व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ? फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हम अर्गोनॉमिक्स पूछते हैं, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। अर्गोनॉमिक्स में फिजिकल अर्गोनॉमिक्स है, कॉग्निटिव अर्गोनॉमिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन अर्गोनॉमिक्स है। देन सिकनेस एब्सेंटीज़म पूछते हैं, बंदा छुट्टी सिक लीव लेता है, होता बीमार जरूरी नहीं बीमार हो, कोई मसला हो सिक लीव ले लें। देन इसमें से इन्वायरमेंट पूछते हैं, मैन एंड मैन। देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा काम करे, किसी के अंडर काम करेगा या किसी का बॉस होगा, उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। अगर रिलेशन खराब होगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होंगे, या एक बंदा घर की बीमारियां परेशानियां वो लेगा काम पे, काम की घर लेगा तब भी प्रॉब्लम होंगे। मैन एंड मशीन, मशीन से हाथ कट जाता है, मशीन सही ना हो कंफर्टेबल हो बैक एक स्टार्ट हो जाता है। मैन फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आपने करना है। देन इसमें से न्यूमोकोनियोसिस, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट मे बी कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट। अब इसमें इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस होती है। हम पूछते हैं अच्छा जी नाम बताएं। इनऑर्गेनिक में देखें एस्बेस्टोसिस है, सिलिकोसिस है और एंथ्राकोसिस है। सिलिकोसिस में एक चीज़ याद रखें, स्नो स्टॉर्म पीरियड से अपर लोग इन्वॉल्व होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, पॉटरी है, ग्रेनाइट है, सैंड ब्लास्टिंग है। अब बच्चों ने बच्चे गलती से शिपिंग में जी वो एस्बेस्टोसिस है, सिम्टम भी देखा करें शिपयार्ड में, अगर एस्बेस्टोसिस है बैटरीज में भी तो है वो, अब ग्लास में भी है, स्टील में भी है, फायरवुड टेक्सटाइल में भी है सिम्टम एस्बेस्टोसिस। जब भी पूछेंगे जो है लोअर लोब इन्वॉल्व होगा, उसमें हनीकॉम अपीयरेंस होगी, ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी, ये याद रखना है आपने, और ये कैंसर कर सकता है। देन एंथ्राकोसिस कोल माइनर्स में, वरना माइनर्स में तो एस्बेस्टोसिस भी हो सकती है। अब उसके बाद फार्मर्स लांगे एक्टिनोमाइकोसिस, बेगोसिस शुगर कैन इंडस्ट्री, बिसिनोसिस आपने याद रखना कॉटन। अब आपने इसके बाद हम पूछते हैं लेड पॉइजनिंग, लेड इंजेस्ट करते हैं। देखें कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन जहाँ भी हो दैट इज लेड पॉइजनिंग, पेंट इंडस्ट्रीज है, बैटरी, शिपयार्ड। लेकिन सिम्टम देखें ना, ब्लू लाइनिंग अराउंड द गम्स होगी या कॉन्स्टिपेशन होगी, फूड ड्रॉप हो सकता है, दिस ड्रॉप हो सकता है। लेड पॉइजनिंग में स्क्रीनिंग टेस्ट जो है यूरिन फॉर कोर पोरफायरियाज है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है आरबीसी देखते हैं, स्टेपलिंग होगी, गैस्ट्रिक रिवाज इसमें करते हैं। ऑक्यूपेशनल कैंसर बुक में नहीं है। देखें मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है वो स्किन का, देन लंग्स का, देन आपका ल्यूकेमिया और ब्लैडर कैंसर, ये सवाल करते हैं। उसके बाद अगर इस चैप्टर के साथ जो है हम कोई और भी कंबाइन करें, लाइक हम इसका डिजास्टर की बात कर लेते हैं, डिजास्टर की टाइप्स डेफिनेशन पूछते हैं। डिजास्टर क्या है? डिजास्टर देखें मैसिव लेवल पे इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है, अनड्यू अकरेंस है, लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब डिजास्टर की टाइप्स हैं, हम इसको इस तरह भी कहते हैं मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल में आप मेट्रोलॉजिकल, ट्रोपोलॉजिकल, टेक्टोनिक टेलोरी कह सकते हैं, लाइक मेट्रोलॉजिकल में स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, ट्रोपोलॉजिकल में फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, टेक्नोलिक में आप अर्थक्वेक्स की बात करते हैं, मैन मेड वॉर्स, मिसाइल एक्सप्लोजन। डिजास्टर में प्री डिजास्टर मैनेजमेंट है, ड्यूरिंग है, पोस्ट है, जैसे जो भी कर लें। ट्राई एज पूछते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ इंजरीज, ब्लैक कलर रहने दे इसको मार रहा है, रेड हाई प्रायोरिटी, ग्रीन येलो मीडियम प्रायोरिटी, ग्रीन ठीक है चले। और वैक्सीनेशन हम इसमें उनकी करते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो डिजास्टर में आपको ये कम अज कम चीज़ें आनी चाहिए। थैंक यू।